प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है सेहत से जुड़ी कुछ खास जानकारी का। आंवला, आंवले का नाम सुनकर सभी के मुंह में पानी आ जाता है, और आए भी क्यों ना, क्योंकि आंवला औषधि गुणों से भरपूर होता है। तो आइए जानते हैं आंवले के गुणों के बारे में और इससे जुड़ी खास जानकारियों के बारे में। आंवले के 10 करिश्माई फायदे। औषधीय गुणों का पूरक है आंवला। अपच में लाभकारी आंवला। उल्टी से दिलाए राहत आंवला। पथरी की समस्या से निजात दिलाए आंवला। विटामिन सी से भरपूर आंवला। आंवले को आयुर्वेद में अमृत फल या धात्री फल कहा गया है। वैदिक काल से ही आंवला का इस्तेमाल औषधि के रूप में किया जा रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक पेड़ पौधे से जो औषधि बनती है उसको काष्ठ औषधि कहते हैं, और धातु खनिज से जो औषधि बनती है उनको रस औषधि कहते हैं। इन दोनों तरह की औषधि में आंवला का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि आंवला को रसायन द्रव्यों में सबसे अच्छा माना जाता है, यानी जब बाल बेजान और रूखे सूखे हो जाते हैं तो आंवला का इस्तेमाल करने पर बालों में एक नई जान आ जाती है। आंवला का पेस्ट लगाने पर रूखे बाल काले, घने और चमकदार नजर आने लगते हैं। एक शोध में बताया गया है कि चरक संहिता में आयु बढ़ाने, बुखार कम करने, खांसी ठीक करने और कुष्ठ रोग का नाश करने वाली औषधि के लिए आंवले का उल्लेख मिलता है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में आंवला के औषधीय गुणों के बारे में बताया गया है। इसे अधोभागहर संशमन औषधि बताया गया है। इसका मतलब है कि आंवला वो औषधि है जो शरीर के दोष को मल के द्वारा बाहर निकालने में मददगार साबित है। एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर कोई भी पाचन संबंधित रोग और पीलिया जैसे रोगों से परेशान है तो आंवले का इस्तेमाल कर सकता है। कई बार असमय खाने या कुछ भी गलत खा लेने पर अपच या इनडाइजेशन हो जाता है। इसके लिए आंवले को पका लें। इसमें उचित मात्रा में काली मिर्च, सौंठ, सेंधा नमक, भुना जीरा और हींग मिला लें। इसके बाद छाया में सुखाकर आप सब सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको भूख लगने के साथ साथ कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। वही आपको बता दे कि अगर आप उल्टी से परेशान हो तो 10 से 20 मिलीलीटर आंवला के रस में 5 से 10 ग्राम मिश्री मिलाकर सेवन करें। इससे हिचकी और उल्टी बंद हो जाती है। इसके साथ ही 5 से 10 ग्राम आंवला के चूर्ण को पानी के साथ पीने से भी उल्टी में फायदा होता है। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा गया है कि दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्यक्ति आंवले के रस का इस्तेमाल कर स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है, और सप्तमी के दिन आंवले का दान करना बहुत शुभ माना गया है। ऐसा करने से इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है और उसको कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। वही रविवार, शुक्रवार, प्रतिपदा, षष्ठी, नवमी, अमावस्या और संक्रांति को आंवले का सेवन करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में इस दिन आंवले का सेवन नुकसानदायक बताया गया है। इसके साथ ही दाह संस्कार के बाद मृत व्यक्ति की हड्डियों को आंवले के रस से धोकर पवित्र नदी में प्रवाहित करने से उसकी सदगति होती है, ऐसी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं। उसके साथ ही उसकी आत्मा को शांति भी मिलती है और यमलोक के चक्र से मुक्ति मिलती है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही रोचक जानकारियों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।